बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम ये नाज़रीन, हम इस वक्त तहरीक लबी पाकिस्तान PP-54 का एक कैंप लगाया गया, उसके अंदर अब मौजूद हैं। इससे कबल हम एक कैंप के अंदर का दौरा किया, वो आप वीडियो देख चुके हैं। तो आप जानते हैं कि इस कैंप की क्या सूरत हाल है और कब से इन्होंने कैंप लगाया है और मज़ीद कितने दिन यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? जी मेरा नाम अकील मंजूर है, नाजमियाला 54। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कितने दिन हो गया यहाँ पे कैंप लगाया हुआ? जी ये कायदे मोहतरम हाफिज साहब सैंडी साहब की हुक्म पर पूरे पाकिस्तान के अंदर सलावतगान जो हमारे भाई हैं उनके लिए, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए हमने ये कैंप लगाया है। कल 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हमने कैंप लगाया है। सुबह 5 से रात आज 11 बजे तक ये कैंप जारी रहेगा। इलाका भर के ताजर बरदरी ने और लोगों ने, राहगीरों ने बहुत ज़्यादा तमन किया हमारे साथ, तो इंशाल्लाह ये अगले 10 दिन तक जारी रहेगा। अपने कायदे मोहतरम के हुक्म पर ये कैंप लगाया, क्या इसके अखराजात उन्होंने दिए या आप खुद कर रहे हैं? नहीं, इसके में जो अखराजात हैं ये मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं हाफ़ता मुस्तफ़ा, ये हमारे ज़िला सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इन्होंने तावन किया है। हमारे अमीर जो है PP-54 सैयद ज़ुबैर शाह गिलानी साहब, उन्होंने तावन किया है, हमने खुद किया है। ये जो फंड इकट्ठा हो रहा है ये सब सलावतगान के लिए इकट्ठा हो रहा है, इसके से में से हम कोई पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस कैंप के जो अखराजात हैं वो हम अपनी जेब से फोड़ता रहे। आप बता सकते हैं कि कल कैसा आवाम का रुझान रहा और नकदी अगर इकट्ठी हुई है तो कितनी हुई है और राशन वगैरह बाकी सामान क्या सूरत हाल है? जी लोगों ने बहुत ज़्यादा तावन किया हमारे साथ, जो है ना नकदी हमारे पास जो है ना 1 लाख से ज़्यादा कैश हमारे पास इकट्ठा हुआ है कल के दिन। जी कल के दिन, और आज हम बैठे हैं माशाल्लाह, आज भी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जो माल है वो हमारे पास लोगों ने पानी के पैड से पेश किए हैं। एक भाई आए हैं, उन्होंने जो लेडीज सूट है तकरीबन 50 से 60 के दरमियान उन्होंने वो सूट पेश किए हैं। इसके अलावा एक भाई, उन्होंने बिस्किट पेश किए और जूसेज वगैरह। मेरा पैगाम ये है दोस्तों को, जहाँ तक ये वीडियो देखें, हमें मेडिकल के मुतलक चीज़ों की ज़रूरत है, मेडिसिन हो जाए, बच्चों की मेडिसिन, बुखार की, दर्द की मेडिसिन है। इसके अलावा हमें खेमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ राशन जितना हो सकते हैं वो हमें पहुँचाएँ। कहा कि आपको 1 लाख से ज़्यादा नकदी इकट्ठी हुई है तो उसको आप किस तरह यूज़ करेंगे सलावतगान के लिए? जी उसके लिए जो है ना, अभी हमें जो गम हुआ है कि हमने जो ये सारा माल है ये ज़िला का जो हमारा दफ्तर है वहाँ पर हमने जमा करवाना है। 10 दिन ये कैंप रहता है, 5 दिन रहता है, 6 दिन रहता है। जब ये कैंप ख़त्म होंगे सब सामान की एक पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद हम ये जो नकदी कैश इकट्ठी हुई है इसके अंदर से हम गाड़ियाँ वगैरह का खर्चा वगैरह वो मैनेज करेंगे और खुद हम सलावतगान के इलाकों में जाकर हम खुद अपने हाथ के साथ ये सारा जो इमदाद ये तकसीम करेंगे। यानी ये सारा कुछ मरकज़ में जाएगा? जी ये मरकज़ में हमारे ऊपर इस वक्त ज़िला है जो हमसे रिपोर्ट ले रहा है, डिवीज़न ले रहा है, फिर शुमाली पंजाब है, फिर मरकज़ है। तो जो है तहरीके लबैक ने जब भी कोई मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान के अंदर, सफ़े अवल में है हमारे कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब, पहले दिन से जब से सलाब आया पहले दिन से सलावतगान के पास मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारे कायद जो है ना तोंसा में, राजनपुर में, बाकी भी जो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है वहाँ पर खुद अपने हाथों से इमदाद तकसीम कर रहे हैं। ये बताएं कि आप ठीक है, आप इकट्ठा कर रहे हैं, कल से भी सामान इकट्ठा किया, 5 दिन और इकट्ठा करेंगे, इसकी कोई रसीद वगैरह बना रहे हैं ताकि रिकॉर्ड रहे जो मरकज़ भी इसको देख सके? जी हमारे पास एक मरकज़ की तरफ से फॉर्म आया है, उसके अंदर जो इस कैंप के इंचार्ज हैं अमीर नाजमियाला और नाजम मालियात और नाजम खिदमत खल्क, ये 4 लोगों को उन्होंने उनके नाम, फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस सब मरकज़ का सेव है। रात को जो कैश इकट्ठा होता है उसकी मरकज़ से दोस्त आते हैं, वो कैश काउंट होता है, काउंट होने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो ज़िले को भी पहुँचाई जाती है, डिवीज़न को भी पहुँचाई जाती है और फिर जो है ना उसकी शुमाली पंजाब को भी उसकी रिपोर्ट पहुँचाई जाती है। जी नाज़रीन देखिएगा, आपको पता है कि आवाम को बहुत से लोगों ने बड़ी दफ़ा चूना लगाया है, ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी डैम के नाम पे और कभी सैलाब जदगान, जैसे भी सैलाब आता है हर साल आता है तो चूना लगाया जाता है आवाम को। अभी भी सिंध गवर्नमेंट या जो भी मामला चल रहे हैं
आप देख ही रहे हैं कि धोखा दिया जा रहा है, लेकिन यही जहन के अंदर खदशात थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को काफ़ी अवाम इनके ऊपर एतमाद कर रही है, और वो सामान किस तरह इसकी कलेक्शन हो रही है, कहीं करप्शन के मामला तो नहीं होंगे निचले लेवल पे और मरकज़ को इसका पता ही ना हो। तो माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह इसकी कलेक्शन हो रही है, और अवाम से भी अपील है कि अवाम हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि अवाम कितना एतमाद कर रही है इनके ऊपर, या बता सकते हैं जी। माशाल्लाह मेहरबानी है तहरीक मौलाना खादम हुसैन रिज़वी साहब, उनको पूरी दुनिया के अंदर उनको लोग जानते हैं, हमारे जो कायद हैं साहबजादा फसाद हुसैन रिज़वी साहब, माशाल्लाह वो जो है ना इंसानियत का दर्द है उनके अंदर, वो बगैर किसी मतलब हुकूमत के तावन से हम अपनी जेब से खर्च कर कर उन लाखों में पहले हमने जो है ना इमदाद पहुँचाई है। ये तो कैंप अभी लगे हैं, लेकिन इससे पहले तहरीक लबैक की बरकती क़यादत खुद उन इलाकों में जाकर और खुराक और जो भी मामला था वो तकसीम कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाम का एतमाद जीतने में आप कामयाब रहे? जी इंशाल्लाह, पाकिस्तान के मसाइल का हार ही जो है वो तहरीक लबैक है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा जमातें हैं, और पाकिस्तान तहरीक लबैक वह जमात है जो पाकिस्तान के अंदर निज़ामे मुस्तफा की बात करती है। अब इन चीज़ों को करप्शन से बचाते हुए एतमाद को मज़ीद मजबूत करना आपका? जी इंशाल्लाह जो है ना लोगों का एतमाद पहले भी हमारे ऊपर था, मज़ीद लोगों का एतमाद जो है ना बढ़ रहा है। कल हमारे पास यहाँ पर साथी आए, उन्होंने कहा जी हमारा जो तल्लक है वह तरीके पीटीआई से है, लेकिन हमने आपके लीडर को देखा है तो हम उसको देख के इतने मुतासर हुए हैं, हमने अपनी पार्टी को छोड़कर आज ही हमने ऐलान किया कि हम तहरीक लबैक को आइंदा इलेक्शन में वोट देंगे। जी आप बता सकते हैं कि ये कितने दिन कैंप लगा रहेगा? जी अभी तो जो है ना हमें 10 दिन का बोला गया है, जैसे ही हमें मरकज़ से जो हुक्म आता है हम वो हुक्म को अपने सारा हुक्म पर रखेंगे। 10 दिन आप ये अपने काम वगैरह से छुट्टी वगैरह करेंगे क्या करेंगे? जी मैं हम दो भाई हैं, बाकी भी हैं ना, आप तो ठीक है दो भाई हैं, बाकी जो ये भाई हैं हमारे साथ ये जिला सिक्योरिटी इंचार्ज मैंने आपको बताया है, ये एक जॉब करते हैं, इन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली है। इसी तरह हमारे पास कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने कामों काम से 10-10 दिन की छुट्टी ली। तो घर के मामला कैसे चले? जी बस अल्लाह की राह पर निकले हैं इंशाल्लाह, जो है ना मामला जो है ना ये काम हम नहीं कर रहे, ये काम करवाया जा रहा है, मालकों ने हमारी ड्यूटी लगाई है, ये काम जो है ना ये हो ही जाना है। जो कई हमारे पास है उनका जो है ना इतना उनको अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर भरोसा है, और तहरीक के साथ इतना लोग लगे हुए हैं, इतने उनके मामला हैं, वो उनको छुट्टी नहीं मिलती तो वो काम को छोड़ कर कहते हैं कि हमें जो है ना ये दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्यों कि हमें जो हमारे अमीर ने ये हुक्म दे दिया। माशाल्लाह आपने देखा कि इस कैंप की भी बहुत ही अच्छी सूरत हाल है और काफ़ी नकदी हासिल हुई है, और आज भी मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह काफ़ी रुझान है वाम का, और लोग गुजरते हुए काफ़ी नकदी दे रहे हैं, इसके अलावा राशन भी दे रहे हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं ये कैंप इस वक्त सियालकोटी दरवाज़ा है गुजरामाला के अंदर, शराबाबाद से थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ पे लगा हुआ है। इस इलाके के जो लोग देख रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर इस चीज़ के अंदर हिस्सा लें, यही वक्त है उन लोगों के साथ खड़े होने का जिनके घर नहीं रहे, तो आप लोगों से ये अपील है। और कोशिश करें भाई ने भी जैसे कहा कि अद्वियात लाएँ, खेमे लाएँ, और खुश्क जो है वो मेवाजात लाएँ ताकि उन लोगों के काम आ सके। नकदी है ये खुद इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुनासिब होगा ये करेंगे, और उम्मीद भी है कि अच्छा इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लें। अब हम अगले कैंप की तरफ रुख करते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, और आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।